You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like giving time the conversation changes. हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और अभी मैं वॉइस बदल रही हूँ। देखिए, मैंने ये ना प्लांट बाहर से लेके आई है, बहुत सुंदर है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप लोग के साथ शेयर किया। और तो चलिए, आज मैं क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब वीडियो लेके आई हूँ। आप लोगों को बहुत पसंद आता है ये, इसलिए देखते हैं। चलिए, और कुछ बातें हैं करना है, जैसे कमेंट में मेरा फेसबुक पेज में एंड बहुत कुछ प्लेसेस में ऐसे कमेंट आता है, जैसे आपका तो सब कुछ है, इतना क्या टेंशन, नहीं तो टेंशन नहीं है, बट ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते देखते बात करते हैं। तो हम लोग जब मतलब अभी 15 ईयर्स हो गया, हमारा मैरिज हो गया, तो इसके पहले जैसे जब शुरू किया था, शुरुआत इतना इजी नहीं हुआ था। होता है ना, तो सबके घर में ही थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट का रहता है, दोनों तरफ से एडजस्टमेंट होता है, तो सबका ही वो है, सेम है। जब मैंने पहले हैदराबाद में चले गई थी, उधर 1 मंथ रहने के बाद देन मैंने बेंगलोर आई। तो जब बेंगलोर आई तब दो रूम्स मतलब एक डाइनिंग स्पेस एंड एक नॉर्मल रूम में हम लोग रहते थे रेंट में। तो पहले स्टार्टिंग ऐसे ही हुआ था, बट मतलब उस टाइम पे चीज़ें का मैंने बहुत कुछ दाम भी ज़्यादा नहीं था, तो हस्बैंड मैंने उस टाइम पे सैलरी बहुत ही कम था, एंड कैसे करके भी हम लोग एडजस्ट करते थे। मतलब मैं 100 निकालने के टाइम लिए भी मैं सोचती थी क्या निकालूंगी, क्या है नहीं है, बट मेरा ऑल द टाइम मेड थोड़ा बहुत हेल्पर थे, बट क्योंकि हम लोग यूज्ड टू नहीं है छोटे से, मैं किसी ना किसी में कोई हेल्प करते थे, तो वो था। बट मतलब हस्बैंड सैलरी मिलने के बाद पूरा सैलरी मुझे दे देते थे, एंड उसको मैं एडजस्ट करती थी कहाँ पर क्या देना है, किसको देना है, सब कुछ। एंड ये जो घर का छोटा छोटा चीज़ें हैं ना, सब कुछ हम दोनों ने मिलकर किया है। मतलब हस्बैंड कभी भी मुझे नहीं पूछकर कुछ भी नहीं करता है, जो भी मतलब छोटा भी चीज़ें है, वो स्कूटर से लेके कुछ भी चीज़ें हम लोग दोनों मिलकर ही करते थे। एंड उस टाइम पे बहुत फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब सब लोग संग से करते, सब लोग को रहता है, बट धीरे 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 नेक्स्ट ईयर मैंने नौकरी ज्वाइन किया इधर, तो एक साल किया, फिर उनके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, 3 मंथ्स के बाद मैंने नौकरी छोड़ दिया, देन पूरा बर्डन हस्बैंड के ऊपर आके पड़ा। तो फिर बच्चा होने के बाद उसका सैलरी भी हाइक होना ज़रूरी, जब मेरा बच्चा हुआ तब विदिन 6 मंथ्स उसका मैंने 3-4 मैंने क्या बोलूँ टाइम्स उसका सैलरी हाइक हो गया, तो इसलिए बहुत शुभ मानते। एनीवेज, शुभ अशुभ बोल के कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही हम लोग धीरे 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 और एक हाउस में चले गए, और उधर अम्मा थे मेरा जो काम करते थे, वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब मामी के जैसा, तो वो हेल्प करती थी। एंड वहाँ से हम लोग नेक्स्ट हम मेरा बच्चा जहाँ पर स्कूल में है, स्कूल में रेंट में, मतलब 2-3 रेंट चेंज किया है, नेक्स्ट लास्ट को हम लोग ये फ्लैट खरीदा। तो हम लोग सोच रहे फ्लैट खरीदा कितना अच्छा है, हम लोग सब लोग की जब कुछ ना कुछ खरीदते हैं उसका पीछे लोन रहता है, बहुत सारी कुछ रहता है, एंड और भी कुछ सेविंग्स रहता है, तो सब कुछ लोन से कट कर होता है। एंड अभी तो पूरा हस्बैंड के ऊपर है, क्योंकि मैं तो इनकम करती हूँ, बट वो इनकम मैं संस्था में इतना कंट्रीब्यूट नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी किसी को मैंने गिफ्ट दे देती हूँ वही, और ऐसे ही चल रहा है। एंड सबका ही कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रहता है, सब कुछ तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, फैमिली मैटर है, बट हाँ ऐसे सोचिए, मैं नहीं जे किसी का भी टेंशन नहीं है, सबका ही टेंशन है, किस डिफरेंट डिफरेंट साइड से आता है, डिफरेंट तरीक़ा से रहता है, कोई प्रेजेंट करता है, कोई प्रेजेंट नहीं करता है।
एंड भगवान के आशीर्वाद से अभी चल रहे हैं हम लोग दोनों ही। ट्राई करते हैं एक संसार को खड़ा करने के लिए। ओनली एक हस्बैंड नहीं, वाइफ हस्बैंड दोनों का साथ निभाना बहुत ज़रूरी है। एंड पहले जैसा ज़माना नहीं है रहा ना, जे ओनली हस्बैंड काम करेगा एंड वाइफ घर संभालेगा, दोनों ही सब कुछ करते हैं जितना हो सके। और हम लोग का अंदर एक एडजस्टमेंट है, तुम ये करोगे वो मैं करूँगी, जब मेरा तबीयत ख़राब होता है वो करता है और उसका तबीयत ख़राब होता है। मैं तो उसका काम नहीं कर सकती, वो इंजीनियर है सॉफ्टवेयर में तो उसका काम तो नहीं कर सकती, पर जितना हो सके मैं उसका बाकी कुछ हेल्प करती हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है, तो देखते रहिए। You say that I'm psychotic, but then you like it like. मैं ना ये जो मैल्स देख रहे हो अब ये वॉशिंग मशीन में धोया है और एकदम अच्छा क्लीन होता है। मतलब गर्म पानी में धोता है ना, पूरा नीट एंड क्लीन होता है। और जितना सारा मतलब है पूरा एक साथ मैं धो के रखती हूँ तो इजी होता है। एंड यहाँ पर मेरा जो हेल्पर है वो भी बहुत अच्छी है, बट प्रॉब्लम है सब तो उनको देखे नहीं करवा सकती। घर का बहुत सारी काम होता है जो हम लोगों को करना पड़ता है एवरी डे। एंड मेरा घर में बहुत सारे कॉकरोचेस हैं, मैंने तंग आ चुकी हूँ। इतना कुछ हीट से स्प्रे कर लखन चौक बोलते हैं उसमें दिया है सब कुछ, फिर भी कॉकरोचेस का मरने का नाम ही नहीं होता है। मतलब और वो लोग ना उसका एग्स है होता है एंड वो लोग पॉटी करके जाता है ब्लैक ब्लैक, जो मतलब पूरा धुला हुआ बर्तन के ऊपर करके जाता है। और मुझे रोज़ ही कुछ ना कुछ क्लीन करना पड़ता है। जो मंथ में सब लोग एक बार करते हैं वो मुझे 2 दिन बाद भी बंद ही करना पड़ता है। देखिए जैसे ये कर रही हूँ ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ऐसा घिन आता है मुझे, इसलिए सब मैं डब्बा डब्बा में रख देती हूँ सो दैट कॉकरोच आके हमला ना कर पाए। इवन पता है आपको वो जो मेरा प्रेशर कुकर प्रेस्टीज का लिया है, जो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स का है होता है ना, मैंने आप लोगों को दिखाया क्या क्लिप क्लॉक ना क्या बोलता है वो, मैं नाम भूल गई उसका, जो थोड़ा सा मॉडर्न टाइप्स का होता है, 4500 ऐसा कुछ लिया था। उसका रबर भी खा लिया, इवन मेरा क्लोज खा लेता है। मतलब क्या बोलूँ कितना स्ट्रॉन्ग कॉकरोचेस है, आप लोग सुन के हंसोगे बट ये रियली है। एंड देखिए इसलिए मैंने ये सब जो डब्बा डब्बा है ना इसके अंदर रख देती हूँ, तो अच्छा रहता है, क्लीन रहता है, आपको कोई टेंशन भी नहीं रहता है कॉकरोच। एंड मैं अभी ट्राई कर रही हूँ जो मैंने कॉकरोच के निपटने के लिए 2 दिन बाद ही हीट स्प्रे कर रही हूँ, जो लखन चौक जो रेखा होता है वो यूज़ कर रही हूँ, और भी एक होता है ना हीट का रेड वाला एक गाउन के जैसा, वो बहुत प्लेस में खाना के जैसा प्लेस में रख रही हूँ, उसमें कुछ मर रहा है, ऐसे करके ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं कब से छुटकारा मिलेगा इससे। और यहाँ पर आप देख रहे हो सब ये सब प्लेस में मूढ़ी रहता है, मूढ़ी अभी ख़त्म हो गया, भरना पड़ेगा ये सब। मेरे प्लस ये नया नया बैग्स था, इसके अंदर आटा वगैरह रख दिया क्योंकि प्लेस नहीं था ना, और इधर सब जेल वगैरह रहता है, नीचे बड़ा बड़ा डब्बा रहता है, वहाँ पर राइस से लेकर सब कुछ रख देती हूँ मैं, भरी भरी चीज़ें। हाँ देख रहे हो आप लोग। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like giving time to. और इस प्लेस में ना थोड़ा सा वो रखा था, मतलब हैंड सैनिटाइजर। उसमें क्या होता है हैंड सैनिटाइजर पड़ने से पूरा वाइट वाइट हो गया, तो इसमें मैं अच्छा कर कॉलिन दे के पोंछ कर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर दिया, सो दैट ऊंट के लिए ऑयल कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है एकदम, मतलब अच्छा। मैं बीच बीच में ऑयल स्प्रे करती हूँ, मतलब स्प्रे करती हूँ मतलब ऑयल पॉलिश करती हूँ। और ये है केला, जो मतलब कोल बोलते हैं, ये कोल देकर बहुत कुछ मैं ऑथेंटिक डिश बनाती हूँ फ्लेवर देने के लिए, तो ये सामने ही रख देती हूँ। और इतना बड़ा बैग देखिए, ये बैग के अंदर मेरा जितना टिश्यू पेपर मतलब किचन वाइप रहता है क्लीन करके रख देती हूँ। और मैं तो अब लोगों को आज कुकिंग दिखा ही नहीं, अगर कुकिंग दिखाता तो वीडियो कितना बड़ा हो जाता बोलिए। और इसके अंदर ये देखकर मैं क्लीन करती हूँ क्योंकि हाथ पहुँचता नहीं है, और ये पूरा ओपन नहीं कर सकती, एक बार ओपन कर दिया था बहुत आपको मुश्किल हो गया था, फिर मैं वो ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। एनीवेज क्लीन हो गया, बर्तन रख दिया। और इस प्लेस देखिए कितना सारा मतलब ख़राब हो गया है, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना है इस प्लेस को, तो चलिए मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ।
और ये रैक ना मैंने अमेजोन से लिया है, 300 पड़ा, 299। तो इसको इसको ही मैं पहले देखकर थोड़ा सा, ये इसको थोड़ा सा बड़ा साइज़ मुझे चाहिए था बट नहीं था, यही साइज़ था और एक कॉर्नर का। तो ये देखकर मैं अभी जितना सारा चीज़ें हैं, बहुत इसके अंदर देखने में छोटा है, बहुत चीज़ें रहता है, मैंने देखिए कितना सारा चीज़ें उसके अंदर जाता है। तो क्योंकि इधर थोड़ा सा देखिए मेरा पूरा ठीक ठाक हो गया, ठीक कर लिया, और कितना सारा स्पेस मिलता है ना, इसलिए ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट इट नीट रहता है एंड मतलब कॉम्पैक्ट रहता है एंड किचन में काम करना भी इजी होता है। और ये मैं खाना खाने के बाद ही ये क्लीनिंग कर रही हूँ, नहीं तो टाइम नहीं मिलता है, पता है आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ये एपिसोड बाय एपिसोड होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब कीजिए, आपका फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।